वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बीते दिनी 5 मार्च नूं बठिंडा विखे हुई एक जथेबंदियां दी मीटिंग राही सानू पता चलिया, जिस दी जानकारी सानू सरदार कृपाल सिंह बठिंडा हुणा तों मिली। उस मीटिंग दे विच जो एकत्रता हुई, उहदे विच विचार कीती गई अकाल तख्त साहब तों जारी हुंदे जो हुक्मनामे जां संदेश ने, उहनां दा पहला वर्गा मान बहाल करवाउण दे लई मंग उठी है। बठिंडा शहर दीआं समूह गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां ते सिख जथेबंदियां ने अज सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह कार्यकारी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब श्री अमृतसर नूं 110 नुमाइंदियां दे दस्तखतां वाला मैमोरेंडम ईमेल राहीं भेज के उन्हां तों मंग कीती है कि श्री अकाल तख्त साहब अते इत्थों जारी हुंदे हुक्मनामे, संदेश अते बयानां दा पहला वर्गा माण बहाल कीता जावे। मैमोरेंडम च कहा गया कि जिस अकाल तख्त साहब तो जारी हुंदे हुक्मनामियां अते जथेदार दे बयानां अगे हर सिख दा सिर झुकदा सी, अज हालात ऐसे बन गए हन कि इस दे सत्कारयोग जथेदार वल्लों दित्ते जा रहे हर बयान अते अकाल तख्त साहब दा नाम वरत के जारी हुंदे हुक्मनामियां दा मजाक उड़ाया जांदा है। उत्पन्न हुई इस गंभीर स्थिति का मुख कारण बादल दल वालों श्री अकाल तख्त साहब जी की दुरवरतों अते श्री अकाल तख्त साहब वालों जारी हुए हुक्मनामे गुरु ग्रंथ साहब जी तो प्रेरणा लैके पंथक भावनावां मुताबक ना होके एक सियासी धड़े के हित पूर्ण लई काबज़ धड़े के दबाव हेठ जारी किए जाना है। इहो कारण है कि जिहड़े हुक्मनामे गुरमत अते पंथ की भावना अनुसार जारी हुए हन, उन्हां नूं हुक्मनामे लागू करवाउण लई जिम्मेवार श्रोमणी कमेटी खुद ही लागू नहीं करती, अते जिहड़े गुरु की गोलक चो 92 लाख रुपए इश्तिहारां ते खर्च के लागू करवाउणा चाहुंदी है, उन्हां नूं सिख पंथ नहीं मनदा। मिसाल वजों दोवां तरां दे कुछ चोणवे 6 हुक्मनामियां दीआं कापियां मैमोरेंडम नाल नत्थी करके उन्हां दे ध्यान च लिआंदा गया कि मिति 29/3/2000 नूं सिंह साहिब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी बेदांती जी जी की जथेदारी हेठ हुक्मनामा नंबर 319/80/00 राही जारी होया, जिस दे पहले हिस्से च ज्ञानी पूर्ण सिंह वल्लों मिति 25/1/2000 तो 29/3/2000 तक जारी किए सारे हुक्मनामे रद्द किए गए अते दूसरे हिस्से च श्रोमणी कमेटी नूं हदायत की गई कि जल्दी तो जल्दी गुरमत सोच वाले माहरां की कमेटी की स्थापना करके तख्त साहब के जथेदार अते मुख ग्रंथी की सेवा नियम जिमें कि नियुक्ति लई योग्यता, उन्हां दा कार्ज खेत्र, कार्ज विधि, जिम्मेवारियां अते सेवा मुक्ति आदि दे नियम निर्धारित किए जाण। हुक्मनामा जारी किए जाण दा स्पष्ट विधि विधान निश्चित किया जाए तां जो भविख विच किसी वल्लों भी अकाल तख्त साहब की निजी हितां लई वरतों किए जाण की संभावना ही ना रहे, तां कि खालसा पंथ विच श्री अकाल तख्त साहब तो समय समय तो जारी होंदे हुक्मनामियां की मानता अते पवित्रता कायम रह सके। इस तों अलावा गुरद्वारा एक्ट विच पंथक हितां मुताबक सोध लई उपराला करना अते गुरद्वारा प्रबंध नूं सियासत दी कुटिलता दे प्रभाव तों पाक रखण नूं यकीनी बनाए जाण दी ताकीद भी कीती गई सी। श्रोमणी कमेटी ने इस हुक्मनामे दा पहला भाग, जिस विच जथेदार ज्ञानी पूर्ण सिंह वल्लों श्रोमणी कमेटी दी तत्काली प्रधान बीबी जगीर कौर अते होरनां नूं पंथ चों छेकण वाले जारी किए गए हुक्मनामियां नूं रद्द किया गया सी, उह तां झट मन लिया, पर दूसरा हिस्सा 23 साल का समा लंघ जाण पिछों भी नहीं मन्या गया, क्योंकि इन्हां ने तां हमेशा कार्यकारी जथेदारां राहीं अपने सियासी हित पूर्ण लई अकाल तख्त की दुरवरतों ही करनी हुंदी है। बठिंडा दीआं समूह गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां ते सिख जथेबंदियां ने सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह तों मंग कीती कि श्री अकाल तख्त साहब तों जारी होया हुक्मनामा नंबर 319/80/00 29/3/2000 हूबहू श्रोमणी कमेटी तो तुरंत लागू करवाया जाए। जे श्रोमणी कमेटी अकाल तख्त साहब तो जारी होया हुक्मनामा लागू करन तो पासा वटे तां सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह दे काल पिछों जारी होए सारे हुक्मनामे तुरंत रद्द किए जाण, क्योंकि ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती की जथेदारी हेठ 5 सिंह साहिबाना ने उक्त हुक्मनामे च खुद मन्या है
कि इत्थों जारी हुए हुक्मनामे किसी विधि विधान मुताबक नहीं बल्कि किसी खास मनुख के हित पूर्ण लई जारी किए जाते हैं। ऐसे हुक्मनामे ही श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी और इन्हां संस्थावां का दुरुपयोग करने वाले श्रोमणी अकाली दल के वकार नूं नुकसान पहुँचाने का मुख्य कारण बनते हैं, जिन्हां तुरंत दूर करने की अत्यंत जरूरत है। इत्थे ये दसना जरूरी है कि जथेदार नूं ये मैमोरेंडम मिति 23/9/2022 तैयार किया गया सी, पर जथेदार साहब दे दमदमा साहब और श्री अमृतसर साहब वाले दोवें पीए समेत जथेदार साहब के निजी सकत्तर तो जथेदार साहब नूं मिलन लई वार वार समा मंगे जाण दे बावजूद वह हमेशा टालदे रहे, तां आखिर अज उन्हां नूं ईमेल राही ही भेज दिता गया। यह रिपोर्ट सानू सरदार कृपाल सिंह बठिठा वालों मिली है, सो उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह दियां होर वीडियोज़ देखण दे लई तुसीं जुड़े रहो सिंह नाद टीवी दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।